की है ना, दोबारा की। चाचू किधर गए? जी तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग जनाब। आज हम पहुंच चुके हैं बार्बर शॉप पे अंसर भाई के पास, जो कि इधर 135 चक, उधर इनका, उधर इनकी बार्बर शॉप है। और माशाल्लाह से जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, तो मैं आज पहुंच चुका हूं जी इधर कटिंग शटिंग करवाने। काफ़ी बाबा शॉप में बने हुए थे, मैंने कहा चले थोड़ी सी ग्रूमिंग करवाते हैं तो आपको भी दिखाते हैं जी। आप भी आइए और इनसे कटिंग शटिंग करवाएँ, मज़ा आएगा आपको। बड़ा ही अच्छी कटिंग और स्टाइलिश कटिंग भी करते हैं। तो खैर हमारा काम तो सिलसिला जारी ऐसे ही रहेगा, तो आपको तो जनाब हम कटिंग शटिंग करवाते हैं, आप लोग एंजॉय करें, म्यूज़िक भी एंजॉय करें और कटिंग भी एंजॉय करें। तो जनाब ये ले हमारी फाइनल लुक, माशाल्लाह जी अभी बिल्कुल पप्पू शप्पू बना दिया हमें। तो थैंक यू सो मच जी आपका देखने का। तो जनाब चलते हैं अभी घर की, तो मिलते हैं जनाब घर जाके डेरे पे। जी तो दोस्तों अपने डेरे पे पहुंच चुके हैं कटिंग शटिंग करा के, और थोड़ी देर हुई है अभी फ्रेश हुए हैं, शावर वगैरह लिया, तो अभी आपको जानवर दिखाते हैं। तो जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें। इस पर नहीं करना, ये हमारा नया मुर्गा है, बीमार है थोड़ा सा, अभी तो काफ़ी फिट है माशाल्लाह। और ये देखिए अभी आ रहा है मेरे पास, मगर ये ना काफ़ी फिट लग रहा है पहले से, वैसे थोड़ा बीमार है, हो जाएगा ठीक इंशाल्लाह, काफ़ी बेहतर हुआ है। कबूतर भी दिखाते हैं, हमारे कबूतर कितने जोड़े रह गए आपको दिखाते हैं। इधर जी हमारे दो सेंटिनेंट के जोड़े हैं, एक फेरीजाइजर का और एक कबूतर हमारा उड़ गया था उसको भी लेके आएंगे। एक हमारा कासत का जोड़ा है ये, और अभी हमारे पास इतने कबूतर रह गए, बाकी हमने वो दे दिए थे किसी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा कबूतर हो गए थे हमारे पास, तकरीबन 15-20 कबूतर हो गए थे, तो बस जो रखने वाले थे ख़ास ख़ास वो रखे हमने, बाकी हमने जाते किया। ये मुर्गा फिर से मेरे पास आ गया, अब इसको दाना भी दिया है सब कुछ, फिर भी ये पीछे पीछे फिर रहा है। इधर ये आपको पॉलिश दिखाते हैं, पॉलिश ये देखिए जी पॉलिश का जोड़ा इधर फिर रहा है माशाल्लाह। अभी ये पट्ठा है पूरा, मुर्गा नहीं बना, और मुर्गी हमारी पूरी है, ये ना हो कि वो किया किया दोबारा कहीं किया ना दोबारा कहीं तेन अंदर ताड़िया सही नहीं है, तेरा लाज सही है, आम तेन अंदर ताड़िया सही कि कहीं दोबारा वही चाचू कि गए। शाम का टाइम हो चुका है तकरीबन 4, हाँ जी तकरीबन 4 बज चुके हैं, और हल्की हल्की बारिश भी आ रही है, हल्की फुल्की सी, बिल्कुल हल्की फुल्की सी। इधर देखें पानी नहीं लगा हुआ, ये सैलाब आया हुआ है, ज़मीन में पानी ऊपर आ चुका है बिल्कुल ही। आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद बारिश आ गई है, मतलब बारिश का नहीं पानी, और अगर बारिश आ गई तो यहाँ पे क्या हाल बनेगा आप खुद सोच सकते हैं। तो बाकी
आपको साथ साथ शौक भी करवाते हैं। आप मुझ में चेंजिंग आपको लग रही होगी, तो आज वैसे स्टाइल चेंज किया थोड़ा बहुत हम लोगों ने, काफ़ी दिनों के बाद स्टाइल चेंज किया। यहाँ पे लड़के खेल रहे हैं, की करना पे आपको गांव का माहौल भी दिखाते हैं और वापसी जाके डेरे पे आपको घोड़ियाँ भी दिखाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमने आपको घोड़ियाँ भी नहीं दिखाई। और एक मेला अभी, उसकी भी वीडियोस अपलोड करेंगे, आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। बस टाइम की वजह से हम अपलोड नहीं कर पाए, वो भी अपलोड करेंगे। तो अभी तो आपको गांव का माहौल दिखाते हैं, साथ मेरे मौकी वाक पे निकला है, हम दोनों वाक पे निकले हुए हैं। मैंने कहा चले ये वाक कर ले, बाकी जाते हैं डेरे पे और जाके आपको नज़ारा करवाते हैं। Few moments later. ये तो डेरे पे हम लोग पहुंच चुके हैं, वाक करके वापस आ चुके हैं, आपको घोड़ी दिखाते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों इस साइड पे आ चुके हैं अपनी घोड़ी रानी के पास। हम सोच रहे हैं कि इस घोड़ी को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और नुकरी को और जिंद को इस साइड पे ले आते हैं। तो माशाल्लाह से ये हमारी तितली माशाल्लाह काफ़ी फिट नज़र आ रही है, चेक करें माशाल्लाह। अभी गंदम डाली है हमने, तो काफ़ी फिट है वैसे माशाल्लाह। माशाल्लाह जी ये प्रेग्नेंट है माशाल्लाह, और इसको तकरीबन 2 माह रह गए इसके ब्रीड आने में, अल्लाह खैर करे। ये मियाँ टाउन में घोड़ा खड़ा है, गुलाम में हैदर बंद मुश्का, माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत घोड़ा है, उसे क्रॉस करवाई हमने, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड आएगी। और ये तो आपको पहले भी बताया कि कुछ जी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मेरे पीछे आप देख रहे हो घोड़ियाँ, मेरे पास दाना डाला हुआ है अभी इसको, क्योंकि चारे की थोड़ी कमी है, तो इसलिए ऐसा ही चारा इनको दे रहे हैं, मजबूरी है, क्या करें, क्योंकि लहसुन वगैरह हमने दोबारा बीजा हुआ है, तो होता है तो फिर इंशाल्लाह इनको डालेंगे। अभी तो ये चीज़ चल रही है, जैसी भी है कबूल करें, या फिर हमारे पास खुश घास है वो चल रही है। तो जनाब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।